हुड़ हुड़ दबंग। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं नेचुरल बिल्डिंग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, लाजमी नहीं है कि आप अगर घर पर गेम कर रहे हैं तो आपको बाइसेप ट्रेन करने के लिए, ट्राइसेप गेम करने के लिए आपको डंबल ही चाहिए, आपको वेट ही चाहिए। आप अपने बाइसेप और ट्राइसेप को घर बैठे आराम से ट्रेन कर सकते हैं इसके साथ। तो चलते हैं अपने गेम की तरफ, कैसे हम इन दो ईंटों के साथ कैसे अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे। अगर जिनके पास ईंटें नहीं है तो गाइस, आज हम अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइसेप सिर्फ और सिर्फ डंबल से ट्रेन होते हैं, सिर्फ डंबल ही चाहिए बाइसेप को ट्रेन करने के लिए। मैं लास्ट वीडियो में बताया आपने कि आप बैक के साथ कैसे अपना बाइसेप ट्रेन कर सकते हैं, एक परफेक्ट बाइसेप बिल्ड कर सकते हैं। तो आपकी इस बीमारी का इलाज करने के लिए आज डॉक्टर सुलेमान आया। तो चलते हैं अपने बाइसेप की एक्सरसाइज की तरफ। अब हम ईंटों के साथ बाइसेप की 5 एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे बाइसेप के शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड और ब्रैकेटेडियस मसल को ट्रेन करेगी। तो चलते हैं अपने बाइसेप की एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, जो हमारी पहले एक्सरसाइज है ईंट के साथ, वो है इसका नाम है ईंट कर्ल। तो ये हमारे बाइसेप के शॉर्ट हेड और बाइसेप की ओवरऑल पीक के लिए काम करेगी। तो देखेंगे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपने दो ईंटें पकड़ ली जिनका वेट जो है वो इक्वल वेट हो। मैंने दो ईंटें देख ली हैं जिसका वेट इक्वल है, ठीक है। आपने सिंपली वैसे ही खड़ा होना है अपनी पोजीशन के अंदर, शोल्डर वेट के मुताबिक अपने आप टांगे खोल लें, ठीक है, ओपन करें। आपने अपनी बाजुएं भी उतनी करनी है ओपन, बाजू बिल्कुल सिंपल ओपन कर लें, ठीक है। एल्बो स्ट्रक इन, जैसे मैंने बताया था आपको बाइसेप की वीडियो के अंदर जो मैंने बैक से खाया आपको बाइसेप ट्रेन करना, आपने एल्बो बिल्कुल टक इन कर लेने हैं, साथ जोड़ लेने हैं और अप डाउन अप डाउन, ठीक है। आपने जब अपने बाइसेप को अपनी बाजू को ऊपर लेके आना बाइसेप को ट्रेन करने के लिए, जब आप इंट कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब ऊपर लेके आना तो अपने इंट को अपने कलाई को थोड़ा कर्व कर लेना, हल्का सा आप अंदर की तरफ कर्व करना, ठीक है। इसका आप होगा क्या इसे करने से, आप ये देखें, ये मैं सिंपल लगा रहा हूँ, अब अपनी कलाई को कर्व करूँगा, अप कर्व। अब बाइसेप में एक जो बाइसेप की पीक है ये उसको और भी काम करेगी। तो आप जब भी ये सेट लगाएंगे आपने अपनी बाजू को ऊपर लेके आना और कलाई को कर्व कर देना, डाउन अप और कर्व, कलाई को अंदर की तरफ कर्व कर देना, ठीक है। आपने इसके 3 सेट लगाने हैं और हर सेट के अंदर जो सा होता है, जैसे कि ये एक, ये दो, आपने ऐसे ही 20 सेट निकालने हैं इसके। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आप देखेंगे आपको कितना आपको अपने बाइसेप के अंदर पम्प नज़र आता। तो आपका बाइसेप की पीक, जो आपकी बाइसेप की पीक है और आपका जो शोल्डर जो नज़र आ रहा है, आपको ये वेन नज़र आ रही है या आपको इस चीज़ को ट्रेन करेगी आराम से, तो आप इसके सेट लगा सकते हैं, 3 सेट लगा सकते हैं। तो गाइस, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी हमारे बाइसेप को ओवरऑल हिट करेगी, हमारे बाइसेप को शोल्डर को हिट करेगी, हमारी पीक को हिट करेगी। जब हम जिम के अंदर अपनी बाइसेप की गेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर, चेस्ट लगा लें, ट्राइसेप लगा लें, शोल्डर लगा लें, तो हम हर सेट के अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पहले सेट के अंदर 10 किलो वेट लगाया तो अगले में मैं 15 लगाऊंगा, 18 लगाऊंगा या 20 लगाऊंगा। अब हम क्योंकि घर पर वर्कआउट कर रहे हैं, दो ईंटें हैं हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि हम 4 ईंटों वगैरह के सेट लगाएंगे, क्योंकि 4 ईंटें हमारे हाथ में पूरी नहीं आएंगी, जाहिर ही बात है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए, अपने बाइसेप को उतना ही पंप देने के लिए, हमने पहले सिंगल आर्म लगाया ईंट के साथ, अब हम डबल आर्म लगाएंगे, इकट्ठे दोनों बाजू उठाएंगे, वही सेट बिल्कुल वही पोजीशन। तो लगाएं कैसे, तो देखें सिंपली दो ईंटें पकड़ लें, ठीक है, पहले हम 1x1 कर रहे थे, ठीक है, अब हम दोनों एक साथ उठाएंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। आपने इसके अंदर भी अपनी जब आपने अप करना है तो अपने कलाई को कर्व करना है अंदर की तरफ, इससे आपकी बाइसेप की पीक ओवरऑल, जो आप कहते हैं कि बाइसेप के ऊपर एक अंडा बन जाता है, तो वो इससे बन जाएगा। तो आपने इसे अप करना है और अपने कलाई को अंदर कर्व करना है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं 10 से, जैसे उसके अंदर मैंने लगाया 1 2, 20 सेट निकालने थे एक सेट के अंदर, 3 सेट लगाने हैं, और इस वाले एक्सरसाइज के आपने निकालने हैं 12 से 15 रैप 3 सेट के साथ। तो चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारे बाइसेप की विड्थ के लिए। जो हम जब शर्ट पहनते हैं तो हमारी जो बाइसेप की चौड़ाई होती है वो हमारे ब्रैकेटेडियस मसल होता है, जो हमारी कलाई से होता हुआ आता है हमारे बाइसेप के अंदर। तो ये एक छोटा सा मसल होता है हमारे बाइसेप के अंदर, लेकिन ये हमारे बाइसेप को विड्थ देता है। जो हम शर्ट पहनते हैं, कोई भी पहनते हैं, जो हमारे बाइसेप के ये दरमियान वाला हिस्सा है जो हमारे बाइसेप को चौड़ा करता है, बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान फर्क करता है, उसको ब्रैकेटेडियस मसल कहते हैं। तो इसको इस मसल को ट्रेन करेंगे, इससे आपका बाइसेप चौड़ा नजर आएगा। जब आप शर्ट पहनेंगे तो आपका बाइसेप है वो बड़ा नजर आएगा। तो हमें कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, वही दो ईंटें, सिर्फ आपने अपनी ग्रिप चेंज करनी है। पहले आपकी नॉर्मल ग्रिप थी, अब आपने हैमर ग्रिप कर लेनी है। हैमर ग्रिप कैसे होती है, ये नॉर्मल ग्रिप है, ये हैमर ग्रिप है। अब देखें कैसे, बाजू पूरे खोले, ठीक है, अप हैमर ग्रिप, हैमर ग्रिप भी कहते हैं जैसे थोड़ा पकड़ते हैं हम, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन
अब ये आपके बाइसेप को चौड़ाई के साथ साथ आपके बाइसेप को लेंथ भी देगा जब आप लॉन्ग शर्ट पहनते हैं, पूरे बाजू वाली शर्ट पहनते हैं आप, तो जो बाइसेप जो आपका बाइसेप है तो जो बाइसेप की लंबाई होती है जो यहाँ पे खाली जगह होती है, इस जगह पे आपकी खाली जगह होती है, ये आपकी खाली जगह को पुट कर देगा, ठीक है। इसको हैमर कर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये आपके इसकी जो ग्रिप है ये हैमर की तरह है, जैसे हम हैमर पर करते हैं हथौड़ा मारते हैं किसी को सर के अंदर नहीं ईंट के अंदर, तो इसलिए इसको हम इस तरह पकड़ते हैं ईंट को। इस ईंट का हमें एक बेनिफिट ये है, डंबल से ज़्यादा बेनिफिट का क्या है कि इसके अंदर हमारी जो हमारी ग्रिप है वो थोड़ी चौड़ी है, ठीक है। हम इसको ज़ोर से पकड़ें अपने फिंगर्स के साथ, ये हमारे फोर आर्म्स को भी ट्रेन करेगी, साथ में बाइसेप को भी और साथ फोर आर्म्स को भी ट्रेन करेगी, तो इसका बेनिफिट हमें डबल है जिम से, ठीक है। तो आपने ये ट्रेन करना है, इसके भी तीन सेट लगाने हैं अपने हैमर कर्ल के 10 से 12 रेपिटेशन के तीन सेट के साथ। तो चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, तो जो अब हम चौथी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमारे ओवरऑल बाइसेप शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड और हमारे फोर आर्म्स के मसल ब्रैकेट डेल्स मसल जो है सबसे बड़ा मसल है हमारे हमारी कलाई का, ये उसको भी ट्रेन करेगी। तो ये एक्सरसाइज आपने कैसे लगानी है तो देखिए, उसी ग्रिप के साथ ईंटें पकड़ लें बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अपने बाजू को अप करें और नीचे जाते हुए अपनी ग्रिप चेंज करके डाउन, ये ग्रिप देखें मैंने ऐसे कर लिया, फिर सिंपल ग्रिप न्यूट्रल अप करें, ग्रिप चेंज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये आपके बाइसेप के लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड ब्रैकेट डेल्स मसल आपकी कलाई फोरआर्म, ठीक है, ये सबको ट्रेन करेगा। इसकी भी हमें तीन सेट लगाने हैं 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। ये आपके बाइसेप को खूबसूरती लेके आएगा आपके बाइसेप के अंदर, अगर आप टी शर्ट और लॉन्ग शर्ट पहनेंगे तो उसके अंदर आपको जचेगी, अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो गजब बेइज्जती है सॉरी। तो चलते हैं अपने फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी पांचवी एक्सरसाइज है वो है हमारी बाइसेप की पीक के लिए, बाइसेप के साइज के लिए, बाइसेप कैसे बढ़ाओ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही ईंट पकड़नी है, सिंपली एक ईंट पकड़ लें, अपने हाथ को पंच बनाएं ताकि आपके बाइसेप को पूरा जब मोशन मिले आपके बाइसेप के साइज के लिए। अपने बाइसेप को नीचे देखें अपनी एल्बो के नीचे, ठीक है, पूरा हाथ खोलें अप डाउन अप, ये आपके बाइसेप को साइज देगा, जिस बाइसेप की ऊंचाई होती है बाइसेप की, ये आपके बाइसेप को वो देगा ये सेट जो उनका, ठीक है। आपने इसके 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं दोनों हाथों के, मतलब 8 इसके 8 इसके 16 रेपिटेशन, तीन सेट लगाने हैं इसके भी। आपने ये ध्यान रखना है जब भी आपने बाइसेप की कोई भी गेम करनी है बाइसेप की, कोई भी आप गेम करेंगे तो आपने जब आपने अप करना है बाइसेप कर्ल के अंदर, तो आपने ईंट को अपनी कलाई को थोड़ा कर्व कर लेना अंदर की तरफ करना है, आपने बाहर की तरफ नहीं करना, अंदर की तरफ करेंगे आप जब भी करेंगे इसको। तो इससे आपका इफेक्ट क्या होगा, आपको जो बाइसेप का साइज होता है जो बाइसेप निखर के आता है ऊपर की तरफ, ये आपका बाइसेप वो अच्छा करेगी, ईंट के साथ आपकी कलाइयाँ भी बन जाएंगी। आपने हर एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने हैं, और जो स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आप बता बता के आए होंगे आपने इसके इतने रेपिटेशन लगाने हैं, इतने रेपिटेशन लगाने हैं। आपने हर सेट के दरमियान जो रेस्ट लेना है वो आप लेंगे तकरीबन 30 सेकंड का, ठीक है, 30 सेकंड का रेस्ट लें, यह आपका 45 से 50 मिनट का वर्कआउट बनेगा। और जिनके पास डंबल है वो उनको का यूज़ ना भी करें तो कोई टेंशन नहीं है, आप वो अपने फोरआर्म लैदर भी सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डंबल के ऊपर वर्कआउट चाहिए बाइसेप का तो मैं वो भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन करें, और किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए घर बैठे, आपको कोई भी वर्कआउट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो जो मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई हैं बाइसेप के लिए, तो ये आप करें, इससे आपको अच्छा खासा फाका पड़ेगा, अच्छा खासा पंप आएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।